एक्सपायर डेट की ये जो दवाइयां पड़ी है, भले मेरा रिश्तेदार हो, मेरा भाई हो, लेकिन हमारे जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 2024 में ये एक्सपायर हो चुकी है, इन दवाइयों पर जो है धूल जमना शुरू होगी। हालांकि माना जाता है कि सरकारी फाइलों पर जो धूल जमती है, लेकिन दवाइयों पर भी यदि धूल जमना स्टार्ट हो गई है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र कितने समय बाद खुला है। पार्वती देवी आती है, टीकाकरण करती है, डेली आके जाती है यहाँ का, और एक पास में है पांचाणियों की डाणी, वहाँ का सब सेंटर एडिशनल चार्ज भेज दिया हुआ, तो वहाँ का भी वो काम देखती है। उप स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र का ही स्वास्थ्य खराब हो तो आखिर इनकी सुनवाई कौन करेगा? हालात दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बूट जैतमाल गांव है जहाँ का ये जो है उप स्वास्थ्य केंद्र है, और ये उप स्वास्थ्य केंद्र का बना टांका है जो पूरी तरह से सूखा हुआ है। मेरे कैमरा सहयोगी से कहूँगा इसके अंदर की तस्वीरें दिखाए। जो भवन यहाँ दिया गया है ANM GNM और अन्य को रहने के लिए जो दिया गया है, उस भवन के क्या हालात होंगे वो अंदर जाने के बाद बता देंगे, लेकिन बता दूंगे उसके पहले बता दूंगे यहाँ पर देखिए लॉक लगे हुए हैं, और एक जगह लॉक है तो दूसरी जगह जो है एक नट की सहायता से जो है उसे रोका गया है कि किसी प्रकार से जो गेट है वो खुले नहीं। तो यह अनुमान ये लगा लीजिए कि देखिए इसकी जो हालत है वो कब से बंद होगा, क्योंकि यहाँ ANM और GNM रहते ही नहीं है, तो हालत ख़राब होना स्वाभाविक है। तस्वीरें अंदर की दिखाना चाहूँगा जहाँ पर दवाइयाँ टैबलेटें जो हैं वो यहाँ के लोगों को दी जाती है। यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य जो है वो इस उप स्वास्थ्य के भरोसे है। ब्लॉक धोरीमना है और बूट जैतमाल का जो ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो देखना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ के ये एक भवन है जिसकी 2 साल पहले जो है बताया जा रहा है कि यहाँ लाइट जो है वो काट दी गई। कारण केवल इतना रहा कि यहाँ पर बिजली का बिल जो है वो नहीं भरा गया था, और उसको लेकर एक सरकारी भवन का जो है बिजली का जो कटौती का जो मीटर था वो ले गए, और उसके बाद से अभी तक यहाँ कोई लाइट जो है वो नहीं है। तस्वीरें देखिए यहाँ पर दवाइयाँ टैबलेटें जो है वो रखी हुई है, और इन्हीं दवाइयों टैबलेटों में से एक दवाई जो है वो हमारे हाथ लगी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि देखिए इसकी एक्सपायर डेट जो है वो देखिए, पहले इसकी बनने की डेट देखिए, जो यहाँ डेट है वो छठा महीना 2021 में जो है ये बनी थी, और पाँचवें महीने 2024 में जो है ये एक्सपायर हो गई, और उसके बाद से वो ये दवाइयाँ जो है वो यही हैं। ऐसे कई अब प्रोडक्ट यदि देखने की कोशिश करें तो उनकी हालत जो है वो बहुत ख़राब मिल रही है। देखिए यहाँ पर ये देखिए मार्च 2024 में ये एक्सपायर हो चुकी है, इन दवाइयों पर जो है धूल जमना शुरू होगी। हालांकि माना जाता है कि सरकारी फाइलों पर जो धूल जमती है, लेकिन दवाइयों पर भी यदि धूल जमना स्टार्ट हो गई है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र कितने समय बाद खुला है। सूचना ये भी है कि सूचना मिली कि जब मीडिया वाले जो है वो गाँव में आए हुए हैं, उसके बाद से ही यहाँ पर जो है जो उप स्वास्थ्य केंद्र के जो अधिकारी कहें या जो संभालते हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हालात तो ये भी लग रहा है कि यहाँ पर नीचे देखिए जो हालत है वो सफाई किए हुए तो लगता है कई टाइम हो गया, देखिए यहाँ पर ये हालत है। तो स्वास्थ्य केंद्र का जो स्वास्थ्य है वो बेहद ही खराब है। यहाँ कई ग्रामीण हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि छेड़िए ये तो ये है पॉपकॉर्न है जो टाइम पास के लिए काम आते होंगे। क्या नाम है आपका? बैरारा। कौन सा गाँव है? काम पांचाणी बूट से। पांचाणी ढाणी में सुना है क्या यहाँ की जो ANM है वो पांचाणी की ढाणी लगी हुई है? हाँ, ANM है वो बहुत पार्वती, हमने नाम ही नहीं सुना। कितने साल हो गए आप? कितने साल के हो? मैं तो 21 साल का। ये कह रहे 2 साल से पार्वती वहाँ टीके लगा रही है? हम तो नाम ही नहीं सुना। आपके वहाँ नहीं आई? नहीं, नाम ही नहीं सुना। सर यहाँ पर जो ANM लगी उसको आपने कभी आंखें देखा है? मैंने साहब कभी आंखों में नहीं देखा तक नहीं है। यहाँ पीछे बाथरूम है, अंदर लेटरिंग पड़ी, आप जाके देख लो। और एकदम ऐसी मैंने जिंदगी में, मैं आज 35 वर्ष का हो गया हूँ, और ऐसी मैंने जिंदगी में सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और हमारे साथ ही ऐसा धोखा हो रहा है। एक्सपायर डेट की ये जो दवाइयाँ पड़ी है, भले मेरा रिश्तेदार हो, मेरा भाई हो, लेकिन हमारे जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और टांके बने आप देख लो अंदर, और ये दवाइयों के ऊपर धूल जम रही है, देख लो ये धूल जम रही है अंदर। आप इधर चलो, आपको मैं बाथरूम बताता हूँ। बाथरूम के अंदर आप व्यवस्था देख लो, टांकों की व्यवस्था देख लो, कुछ नहीं है, केवल हाथ कंगन को RC, कुछ भी 0% है। मैं भले कोई हो, नाराज हो तो हो, लेकिन आज दिन तक हमने यहाँ पर दवाई लेने के लिए आए, लेकिन बंद ही बंद मिला। यहाँ जो अब अधिकारी है उनसे जाने। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्ने सिंह है। पन्ने सिंह जी कितने टाइम से यहाँ लगे हुए हो? मेरे को 2 साल हो गए। ईमानदारी से बताना कि ये कितने टाइम बाद ये जो है ये भवन खुला है? नहीं, ये सर डेली खुलता, मैं डेली खोलता हूँ, मैं आता हूँ मेरी ड्यूटी करके डेली जाता हूँ। इनसे पूछ लो एक बार सर। अच्छा, तो आपके साथ यहाँ सहयोगी कौन है? पार्वती देवी है, ANM लगी हुई है। अच्छा, तो वो यहाँ उनको आपको देखियो कितना टाइम होगा कि यहाँ वो आई थी? ANM पार्वती देवी आती है, टीकाकरण करती है, डेली आके जाती है यहाँ का, और एक
पास में है पांचाणियों की ढाणी, वहाँ का सब सेंटर एडिशनल चार्ज भेज दिया हुआ, तो वहाँ का भी वो काम देखती है। पांचाणियों की ढाणी के कई लोग है झूठ बूढ़ जेतमाल जो इस गांव के ग्रामीण है वो तो कह रहे कि हमने तो आंख देखा ही नहीं कभी। टीकाकरण बैसलोनी और कतला पांचाणियों की ढाणी का पार्वती करती है टीकाकरण। अच्छा, ये कुछ टेबलेट और दवाइयाँ यहाँ पर है, आप कहते हैं आप रोजाना आते हो आप देखते हो, तो ये यहाँ पर क्या सप्लाई नहीं हो रही है या पुरानों को निकालने का कोई टारगेट मिल रहा है? पांचवें महीने में एक दवाई है, एक दो जो एक्सपायर हुई है उसको डस्टबिन में जलाने के लिए रखी हुई है। नहीं रखाने मतलब टेबलेट उसको टेबल पे रखा है, तो इससे तो कई दवाइयाँ जो है निकल जाएगी। अभी यदि छानबीन करेंगे तो आप एक दो बता रहे हैं, मैंने हालांकि दो तीन ही हाथ में लिए और वो तीनों ही एक्सपायर निकली, बाकी वाली यदि देखना चाहें तो देखेंगे तो फिर। नहीं, एक दो है एक्सपायर होने वाली, वो डस्टबिन में जला दी जाएगी। और एक्सपायर जो हो चुकी है वो डस्टबिन में डाल देंगे, एक दो है ज़्यादा नहीं है, एक दो है जो डस्टबिन में डाल देंगे। जो टीकाकरण में लेके जाते हैं तो वहाँ से टीकाकरण वाली थैली में थी तो वहाँ रख दिए, बाकी नहीं। कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है यहाँ के ग्रामीणों को महंगी पड़ जाएगी। नहीं, लापरवाही तो वो टीकाकरण सत्तर से लाई हुई थी और वापस वहाँ रख दी थी तो डस्टबिन में जला देंगे डाल के। साफ तौर से इस उप स्वास्थ्य केंद्र का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही खराब है और जांच की जो है वो जरूरत है, क्योंकि जो दोनों ग्रामीण हैं दोनों तरफ के वो ये कह रहे हैं कि उस ANM को जो है उन्होंने आंखों तक नहीं देखा है। और यहाँ के जो लगे हुए अधिकारी है वो कहते हैं कि रोजाना आते हैं टीकाकरण करते हैं, अब ना जाने वो कब आती है और टीकाकरण करके जाती है, ये तो जांच का विषय है। और यहाँ के जो अधिकारी है वो जांच करे और इन ग्रामीणों को जो है संतुष्ट करे। कैमरा सहयोगी राजेंद्र के साथ भरत जांगिड़, द खटक, बूट जेतमाल, बाड़मेर।